भैरुंदा के वन परिक्षेत्र लाड़कुई में बढ़ते वन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए वन विकास निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने कार्रवाई करते हुए 63 नग सागून की सिल्लियां सहित एक चार पहिया वाहन जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए ये रिपोर्ट। भैरुंदा के वन परिक्षेत्र लाड़कुई में बढ़ते वन माफियाओं द्वारा सागौन की सिल्लियों का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसको लेकर वन परिक्षेत्र लाड़कुई व वन विकास निगम द्वारा लगातार मुखबिर की सूचना पर धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से 63 नग सागौन की सिल्लियों का परिवहन कर रहे एक महिंद्रा बुलेरो पिकअप सहित 3 लाख की सागौन को जब्त किया गया है। सुबह एक हमने पिकअप वाहन जब्त किया गया है, वो भी सूचना पर, जिसमें 63 नग थे। उसका 1.63 घन मीटर माल मौके से जब्त किया है। सर कहाँ से कार्रवाई की है? ये बनिया गांव भैसान से चकलदी की ओर जा रहा था पिकअप वाहन। क्या कोई आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ? अभी आरोपी तो मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन एक को जब किया पकड़ा है, जो शायद मुखबिर है। पूछने पे पता चला मुखबिरी करता रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे? आगे इसमें भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, राजसात की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जो भी अपराधी लोग हैं इनको पकड़ के कोर्ट चालान किया जाएगा। सर लकड़ी का मूल्य और वाहन का मूल्य कितना होगा? लकड़ी का मूल्य लगभग 80 से 90 हज़ार है और पिकअप वाहन जो है इसका मूल्य लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भैरुंदा वन विभाग अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अलर्ट मोड पर है। उसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भैरुंदा।